नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं आपसे कुछ वर्षा ऋतु संबंधित राग के बारे में बात करूंगा। जैसे वर्षा ऋतु का आगमन होना, वर्षा ऋतु की स्थापना और वर्षा ऋतु का विदाय होना। मैंने जो जाना ये जाना कि वर्षा ऋतु के आगमन के लिए, आह्वान के लिए जो भारतीय उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुछ सुंदर राग है, जैसे कि सारंग के प्रकार और खास करके मधुमाद सारंग और वृंदावनी सारंग, ये दो राग जो है वो वर्षा ऋतु के आगमन के लिए या जिसे हम कहें आह्वान के लिए उत्तम राग है। फिर वर्षा ऋतु की स्थापना हो जाती है तो इसमें मल्हार के प्रकार और खास करके मेघ मल्हार और शुद्ध मल्हार और भी मल्हार, ये सारे राग वर्षा ऋतु की स्थापना दरमियान बहुत उपयोगी राग है। और अंत में जब विदा होती है वर्षा ऋतु तो उसके राग जो मैंने जाने, जब तृप्त हो जाती है धरती, पूरी तृप्त हो जाती है, नदी नाले सब भर जाते हैं और वर्षा ऋतु विदाय होती है, उस समय के जो राग है वो मेरी दृष्टि से एक राग है देश और दूसरा राग है तिलक कामोद। ये दोनों रागों का भी बहुत सुंदर असर आता है जिसमें हम भावात्मक विदाय करते हैं वर्षा ऋतु को और फिर से आमंत्रित करते हैं कि जब अगली साल आप आओ, स्वस्थता पूर्वक बारिश हमें दो, इस तरह की भावना इसमें प्रकट की जाती है। यहाँ तक मैं आपको कहूँ कि ऐसी रचना, बहुत सुंदर रचना होती है, ऐसी रचना है जैसे कि अब के ना सावन बरसे, फिर ऐसी रचना है ना 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 बरसो बादल आज बरसे नैन से जल, आज मन का मोर गायल ना 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 बरसो बादल। ये राग में, ये राग मल्हार है। और एक और उदाहरण दूँ, एक ऐसी रचना है सावन आए या ना आए जिया जब जूं में सावन है, सावन आए, ये वृंदावनी सारंग है। लेकिन ऐसी रचना होती है तो मैं मेरी बात करूं तो जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है या वर्षा ऋतु की स्थापना होती है तो मैं कभी ऐसी रचना नहीं बजाता। मैं आमंत्रित ही करता हूँ कि वर्षा ऋतु आए ही आए, आए न आए ऐसा नहीं कहता। और जब वर्षा ऋतु विदाय होती है तब ऐसी रचना जो है, सुंदर रचनाएं हैं, लेकिन इसमें ऐसी बात है कि बारिश आए या ना आए तो मैं ऐसी रचना पहले नहीं लेता, लेकिन जब वो विदा होती है उस समय मैं ऐसी रचना प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।